आप देख रहे हैं सिटीलियन न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज। नाजरीन, उत्तर प्रदेश में पेश आए खौफनाक हादसे में डीसीएम वैन खाई में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक हो गए। हादसे में डीसीएम वैन कंट्रोल खो गई और खाई में गिरकर तबाह हो गई। इस वाकये में 40 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इनमें से चंद अफराद की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। यह हादसा जिला अटावा के इलाके रेवेन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पादेपुरा के राउंड इलाके के 50 से ज्यादा मुसाफिर इस वैन में सवार थे। ताहम ज्यादा तादाद में मुसाफिरों के सवार होने की वजह से वैन कंट्रोल खो गई और चक्कर नगर रोड पर वाकई एक खाई में गिर पड़ी। एडिशनल SP प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि इस हादसे में 12 अफराद हलाक हो गए। तमाम मरने वाले मर्द बताए गए। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर सदमे का इजहार किया। मरने वालों के हर एक खानदान को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज। ये DCM गाड़ी में काफी लोग, काफी संख्या थी, जो कि पिनाहट और बा से रिलेशन में सब आपस में थे, वो DCM के माध्यम से लखना पे झंडा चढ़ाने जा रहे थे। उनके यहाँ कोई उत्सव था, उस संबंध में झंडा चढ़ाने जा रहे थे। ये जब गए हैं तो उदी से आगे चक्कर नगर रोड पर एक मोड़ आया है, जहाँ ट्रक डिसबैलेंस हुई है और बगल में 30 से 35 फीट गहरा खाई टाइप का है, उसमें ये ट्रक गिरी है। सभी लोग जगह जगह छिटक के गिरे हैं। कुछ लोग ट्रक के नीचे थे, DCM के नीचे थे। सभी लोगों को निकलवा लिया गया, यहाँ इलाज के लिए भेजा गया एम्बुलेंस के माध्यम से, जहाँ पर अब तो सारे लोग आ गए हैं। अब तक 10 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है, बाकी आगे कुछ गंभीर हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे जो होगा वो आपको कितने घायल? अभी घायल की टोटल नंबर वो डॉक्टर साहबान बता रहे हैं, क्योंकि अभी लगातार वो पीछे से आ ही रहे हैं, सब निकल गए हैं, लेकिन अभी रास्ते में आ रहे हैं। कितने लोग सवार थे? ट्रक में लगभग 40 से 45 के बीच, या जो भी संख्या और बढ़ती है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर, उसमें बच्चे भी काफ़ी थे, तो सभी बच्चे सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। 10 पुरुषों की डेथ हुई है अब तक, बाकी इलाज कर रहे हैं। और ये भी है कि अगर कोई गंभीर होता है तो उसको आसपास हायर सेंटर पे रिफ़र करने की भी कार्रवाई की जाए। अब तक कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? ये एक बस है जो बाहर से आ रही थी, यात्रियों को लेकर के लखनऊ जा रहे थे। इसमें करीब 52 लोग सवार थे, जिसमें जो खाई में गिरी है और जिसमें अभी 10 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी लोग अस्पताल आ गए हैं। उसमें से कुछ क्रिटिकल हैं, जिनको सैफई तत्काल रेफर किया जा रहा है प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद, और बाकियों का इलाज यहाँ पर जारी रहेगा। अभी तक कुछ निकल कर आया? क्या वजह क्या निकल कर आ रही है पलटने की? बस खाई में गिरी है, बाकी तो अभी तफ्तीश चल रही है। DCM है जो खाई में गिरी है और अभी बाकी तफ्तीश चल रही है, क्या वजह रही है, और ड्राइवर के बारे में भी हम पता कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई अभी पहले सबसे पहले उनको फर्स्ट एड के साथ पहले इलाज उनका हो, जिनको हेड इंजरी है तत्काल उनको एम्बुलेंस से सैफई भेजा जा रहा है, उसके बाद फिर इस पर।